हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और काफ़ी बच्चे यहाँ पर परेशान हैं रिजल्ट को लेकर, फिर आपके आंसर की को रिलेटेड लेकर, फिर काउंसलिंग कब होगी, मैम कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर अगर आप काउंसलिंग की प्रोसेस को नहीं जानेंगे तो आप एडमिशन यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। क्या चेंजेस हुआ है, क्या नया रूल्स आया है और काउंसलिंग में एक बहुत बड़ा चेंजेस आया गया है कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करानी है, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कोई भी पॉइंट आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट आप स्किप करते हो तो आप यहाँ एडमिशन लेने के लिए फिर प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो चलिए, आप पूरे यूट्यूब पे देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन आपको पूरी तरीके से वीडियोज़ को फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, तभी आप यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हो। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो की रिज़ल्ट कब आएगा आपकी ऑफिशियली अपडेट जारी कर दी गई है, डेट आंसर की कब रिलीज़ होगा, इससे रिलेटेड मैंने वीडियोज़ अपलोड की है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमने व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको इस बार क्या है, काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी। सबसे पहले क्या होता था, काउंसलिंग क्या होता था कि आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाती थी कि भाई इतने से इतने मार्क्स तक के हैं मार्क्स, मतलब जैसे कि होता था ना कि पहले क्या होता था कि अगर आपका 120 से लेकर 130 के बीच में नंबर है, जैसे जनरल का, मतलब कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्या है, कट ऑफ जारी की जाती थी कि इतने से इतने तक का जिनका भी मार्क्स है वो आके काउंसलिंग करा ले और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले, उसके बाद आप एडमिशन ले लें। तो अब ये प्रोसीज़र यूनिवर्सिटी के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। आपको यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी आपको क्लासेस अटेंड करनी है। आपको यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होगी कि आपको अपना डॉक्यूमेंट लाना है या आपकी कट ऑफ इतनी है तो इतने, कुछ भी नहीं करना है। इस बार आपको ऑनलाइन काउंसलिंग क्या प्रोसेस है उसको समझते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग को देखो, कहीं भी अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप पूछ लेना, ध्यान से वीडियो को देखना। ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग का मतलब क्या हुआ कि आप घर बैठे लैपटॉप से, पीसी से, अपने फ़ोन से, किसी के भी माध्यम से यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा होगा DDU प्रवेश परीक्षा की जारी होगी रैंक और चॉइस लॉक में मिलेगी सुविधा। मतलब यहाँ पे DDU के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और किसके साथ, रैंक के। पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी रैंक नहीं जारी करती थी, ठीक है, बस क्या आपकी कट ऑफ जारी करती थी कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, और उसके अकॉर्डिंग आप जाते थे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे। फर्स्ट कट ऑफ निकालती थी, सेकेंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, ऐसे। तो इस बार मेरिट लिस्ट के साथ आपकी क्या है, रैंक भी जारी की जाएगी। क्यों, अच्छा इस बार ऐसा क्यों हुआ है मैम, तो इसलिए क्योंकि एक ही नंबर पे बहुत सारे, मतलब एक ही नंबर बहुत सारे बच्चों के आते हैं। जैसे अगर 110 नंबर है तो 110 नंबर एक ही स्टूडेंट्स का नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता था, ठीक है। तो इस वजह से ये कुछ चेंजेस आपके लाए गए हैं। बात करें यहाँ पर, आप देख ही सकते हैं कि प्रवेश परीक्षा की जारी होगी रैंक, मतलब रैंक के हिसाब से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और चॉइस लॉक में मिलेगी सुविधा। अब पहली बार होगी ऑनलाइन काउंसलिंग, अंकों के आधार पर पता चल सकेगी जनरल रैंकिंग। पूरा ये जो न्यूज़पेपर का ये दिया गया ना, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है और सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊँगी। यहाँ पे चॉइस लॉक, अच्छा ठीक है मैम, चॉइस लॉक क्या है, चॉइस लॉक का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे सबसे पहला मान लो, सबसे पहले आपने चॉइस लॉकिंग का मतलब ये हुआ कि आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको एडमिशन लेना है। जैसे हमने चॉइस लॉक में सबसे पहला डाला DDU, हमको DDU में एडमिशन चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले, दूसरा चाहिए हमें इस्लामिया, ठीक है, तीसरा चाहिए, ठीक है, DVNDC, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कॉलेज को चॉइस कर सकते हो कि अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसमें यहाँ पर आप, मान लो आपको DDU नहीं मिला तो आपको इस्लामिया मिलेगा, इस्लामिया नहीं मिला तो DVNDC। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने भी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के तरफ जो भी लिस्ट जारी की जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना क्या है कॉलेज यहाँ पर फिल कर सकते हो। मान लो अगर आपका उसमें मार्क्स उतना नहीं है तो आपको DDU नहीं मिलेगा, ठीक। उसके अलावा आपको जितने भी जो कॉलेज हैं उसमें मिलेंगे। तो चॉइस
लॉक का मतलब यहाँ पर ये हुआ, मतलब आपके पास जितनी भी कॉलेजेस की लिस्ट हैं आप उसको उसमें फिल कर देना, उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग ऐसे आपकी जारी की जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। कैसे होगा, तो ऐसे करें काउंसलिंग के पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए। सबसे पहले आपको DDUGUAdmission.in पर लॉगिन करना होगा, पहला चीज़। पोर्टल पर, मतलब पोर्टल पर दिख रहे लिंक के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क जमा करें, वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया रहेगा। इसके बाद चयनित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय व कॉलेज में सीटों की उपलब्धता देख सकेंगे। यहाँ पर देखिए दिया है चॉइस लॉक के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा, मतलब आप चॉइस फिलिंग जो है, जो जो कॉलेज आप फिल करना चाहते हो वहाँ पे आपको 3 दिन का यहाँ पर क्या है चांसेस मिलेगा। फिर भरे, मतलब ये प्रोसीजर सारा है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगी, पूरा देख लेना। क्योंकि देखो, अगर आप नहीं यहाँ पर देखोगे ना, आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है काउंसलिंग क्या होता है, चॉइस फिलिंग क्या होता है। ठीक है, परेशान नहीं होना, हर एक चीज़ें हम आपको आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बस आपको चीज़ें ध्यान से, कहीं भी दिक्कत आ रही हाँ आप हमसे कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये सारी देख सकते हैं, चॉइस लॉक में के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा। फिर जो भी आपने विकल्प परीक्षा में रैंक और आरक्षण प्रविधान, मतलब यहाँ पर जो भी वेटेज है, ठीक है, वेटेज है और जो आपका मार्क्स है, फिर जो भी गर्ल्स का वेटेज दिया गया है, वो सारी चीज़ें के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, आपका जो मार्क्स होगा। आरक्षण प्रविधान के अनुसार विश्वविद्यालय की ओर से सीट का आवंटन कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, कॉलेज अलॉट करने के बाद क्या करना है, पोर्टल पर जाकर आपको फीस पेमेंट का लिंक जारी किया जाएगा और उसका प्रवेश तय हो जाएगा। प्रवेश होने के बाद अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर संबंधित परिसर, संकाय और विभाग में अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना होगा। तो सबसे पहले ये सारे प्रोसीजर होने के बाद ये जो है, आप फिर DDU में जाकर जहाँ पे आपको मिला है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। काउंसलिंग के प्रथम चरण खाली रहे सीटों के लिए द्वितीय, मतलब यहाँ पर फर्स्ट जैसे होता ना, फर्स्ट जैसे निकलता था फर्स्ट मेरिट कट ऑफ, सेकंड मेरिट, उसी तरह फर्स्ट काउंसलिंग होगी, सेकंड काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग होगी। तो जब तक यहाँ पर, और यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट भी जारी की जाएगी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। काउंसलिंग के प्रथम चरण में खाली रह गई सीटों के लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग आयोजित होगी, जिसमें सबसे पहले चरण में सीट आवंटन संतुष्ट न होने पर अभ्यर्थी फिर से प्रतिभागी कर सकेंगे। मान लो यहाँ पे आपको अपने फर्स्ट काउंसलिंग की, ठीक है, आपको उसमें जो कॉलेज आप चाह रहे हो वो नहीं मिला, ठीक, तो फिर आप दूसरी काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक, दूसरे में भी नहीं मिला तो आप तीसरे में भी करा सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड काउंसलिंग ऐसी जारी की जाएगी। ठीक है, कैसे आपको करना है मैं बिल्कुल बताऊंगी, और आपका रिज़ल्ट तो मैं बता दी हूँ कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 20 जुलाई के बाद आएगा, थर्ड वीक ऑफ जुलाई आएगा। उसके पहले आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी और आपकी काउंसलिंग जो है यहाँ पर 26-27 के बाद शुरू हो जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ें चैनल पर अपडेट रहना, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगी, परेशान नहीं होना है। बस आपको यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पूरे प्रोसीजर, अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने ये प्रोसीजर बताया ना कि आपको ये 10 पॉइंट्स जो मैंने क्लियर किया है यही आपको पूरा फॉलो करना है, बस यही वाली चीज़। ये जो पूरा है ना, ऐसे करें काउंसलिंग के प्रति, ये जितने पॉइंट्स देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, ये चीज़ है। ठीक है, और रिजल्ट आंसर की कब आएगा, उसी के बाद आपका चॉइस लॉकिंग होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम रिजल्ट में अंक के साथ कैंडिडेट्स की रैंक भी जारी होगी। ठीक है, ये देख सकते हैं पूरी चीज़ें। ठीक, तो आपकी काउंसलिंग ऐसे होगी, पूरी चीज़ें ध्यान रखनी है कैसे आपको करना है। ठीक, कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे व्हाट्सएप पे 8896914354 पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है और आपको व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम भी। ओके, थैंक यू।